लखनऊ से बड़ी खबर आप बता रहे हैं। शिवपाल यादव ने कांग्रेस पर हमला किया है। हमने कांग्रेस का एक महीने तक इंतजार किया, शिवपाल का यह बयान सामने आया है, कांग्रेस ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। शिवपाल यादव का यह बयान आया है। साफ तौर पर एक नई पार्टी के तौर पर उभरे अखिलेश यादव से विवाद के बाद, 2017 के बाद जो विवाद की स्थिति बनी थी, 2017 विधानसभा चुनाव के बाद जो स्थितियां बनी थी उनको लेकर शिवपाल यादव ने अपनी एक नई पार्टी बनाई और ये कहा था कि हम कांग्रेस साथ गठबंधन करने को तैयार, लेकिन कांग्रेस से जवाब ना आने की बात शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कही है कि हमने कांग्रेस का एक महीने तक इंतजार किया पर कांग्रेस का कोई भी बयान या कोई भी समर्थन लेने की बात हमारे तरफ से नहीं कही गई, जिसको लेकर शिवपाल यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि हमें प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। एक तरफ गठबंधन की कवायद, महागठबंधन की कवायद हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव से हो सकता है गठबंधन, जब शिवपाल लगातार चाह रहे थे कांग्रेस से गठबंधन करना, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब ना आना साफ तौर पर अब शिवपाल को नागवार गुजरा और शिवपाल ने साफ तौर पर यह कह दिया कि कांग्रेस से हमने एक महीने तक कांग्रेस का इंतजार किया, कांग्रेस आए हमसे गठबंधन करें। आकाश शेखर शर्मा हमारे जुड़ चुके हैं। आकाश, साफ तौर पर देखा जाए क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी, कहा भी जा रहा था, कवायद भी लगाई जा रही थी कि अगर समाजवादी पार्टी और बसपा से गठबंधन नहीं होगा तो यह गठबंधन शिवपाल से हो जाएगा कांग्रेस का। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आदित्य ये है कि अगर गठबंधन की बात को लेकर के अगर कोई बात कही जाए तो उसमें गठबंधन का सबसे बड़ा जो होता है वो जो बनाया जाता है कि दायरा, वो दायरा पहले ही समाजवादी पार्टी और बसपा बना चुकी थी और कांग्रेस को सीटें ना देना और कांग्रेस। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बड़े नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से कांग्रेस किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेगी और हर सीट पर प्रत्याशी उठा देगी। जी नहीं, साफ तौर पर देखा जाए तो क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे, ये अगर इसमें मुलायम सिंह यादव की बात ना करें तो जिक्र, क्योंकि मुलायम सिंह यादव कहा जा रहा था कि कभी चाचा की तरफ जाएंगे कभी बेटे की तरफ, तो अब तो बेटे ने टिकट भी दे दिया मुलायम सिंह यादव को। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो है मुलायम सिंह यादव खुद जो है समाजवादी पार्टी में होने के बावजूद भी अखिलेश यादव के गठबंधन को लेकर के कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव ने वहां से सबसे बड़ी चीज ये है कि कह दिया है यहाँ पर रह करके कि वो जो गठबंधन किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो गठबंधन से समाजवादी पार्टी को नुकसान ही होना, फायदा नहीं होना है। तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस गठबंधन के काफी खिलाफ है। अखिलेश यादव ने क्या समझ करके ये गठबंधन किया है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो रैलियां दोनों की साथ में होगी उन रैलियों को कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि वो रैलियां कितनी कारगर होंगी और वो कितनी भीड़ जो वहां पे जुटेगी उसको किस तरीके से ये लोग वोट बैंक में अपने तब्दील करेंगे, ये रुक करके देखने वाली बात होगी। क्योंकि आने वाला 23 मई बताएगा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन में किनको कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान। जी नहीं, आकाश साहब, तो देखा जाए तो अब शिवपाल ने ये कह दिया कि हमने एक महीने का इंतजार किया है, तो क्या अब शिवपाल उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे? आवाज मिल पा रही आकाश? जी आदित्य, अपना सवाल दोहराएंगे। सवाल यह है कि क्योंकि अब साफ तौर पर कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ तो शिवपाल क्या प्रत्याशी उतारने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ उनका, क्योंकि इसके बाद स्टैंड तो कुछ ना कुछ होना ही है, प्रत्याशियों को तो उतारेंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, अभी तक शिवपाल यादव की अगर बात करें तो शिवपाल यादव की जो पार्टी है उसमें भी लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है। आज जी जो है पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी की अरुणा कोरी ने जो है शिवपाल यादव की पार्टी का दामन थामा है। अभी शिवपाल अपनी टीम को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले वक्त में बैठक के बाद होली जिस समय नजदीक आएगी उस समय ये जरूर दिखाया जा सकता है और देखा जा सकता है कि खुद शिवपाल यादव की पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी, क्योंकि अभी भी फाइनलाइज बिल्कुल भी नहीं है कि शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा कितनी सीटों पे लड़ेगी। लेकिन ये तो करके देखने वाली बात होगी कि गठबंधन के जोड़ में तो अभी 30 पार्टी भी है, उसको भी कहीं ना कहीं जगह मिलनी है और वो भी इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर रजू जो उसके जो मेन अध्यक्ष हैं खुद इंतजार कर रहे हैं कि वो किस पार्टी के साथ रहेंगे, वो जो है शामिल होते हैं गठबंधन में या नहीं होते हैं या कांग्रेस के साथ जाएंगी, ये रुक करके देखने वाली बात होगी। जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सुनाते हैं कि शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है। हमने कांग्रेस से भी एक महीना इंतजार किया, रोज आश्वासन का आश्वासन, मीटिंग भी करते रहे,
लेकिन सूची जारी कर दी। अब सूची जब जारी हो गई, हमने कांग्रेस से भी आकाश, तो साफ तौर पर शिवपाल का यह कहना कि हमने कांग्रेस का इंतजार किया, कांग्रेस की तरफ से किस नेता से इनकी बात चल रही थी, कांग्रेस ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं यह चाह रही है कि अगर सपा बसपा से नहीं होता तो उसको प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पास जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रगतिशील इस समय खुद अलग थलग पड़ी हुई है। जिस तरीके से आप खुद देख रहे हैं कि शिवपाल यादव जो है कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को पता है कि इस समय डगर किसकी सही चल रही है और कौन सी पार्टी का जो है जोर कहाँ पे चल रहा है। और इस बार का जो चुनाव होगा 2019 का लोकसभा का, ये भी ऐतिहासिक होने वाला है, जैसा कि 2012 और 14 कर रहे हैं विधानसभा के चुनाव। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है, जो देखने वाली बात यहाँ पे आती सबसे बड़ी ये है कि खुद लोगों को अब कोई घास नहीं डाल रहा है इन छोटी पार्टियों को, और जो क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी और बसपा, ये दोनों मिलकर के समझौता कर चुकी है, गठबंधन कर चुकी है। कांग्रेस हर सीट पे जो है चुनाव लड़ने की कवायद चल रही है और अधिकांश सीटों पे धीमे धीमे उनके प्रत्याशी भी डिक्लेयर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में साफ है कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन करती नजर नहीं आएगी, अकेली ही लड़ती नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये दिख भी रहा है कि उनको सीटें यहाँ से बढ़ के निकलेंगी। जी चलिए, तमाम जानकारी बहुत शुक्रिया।